हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। देखिए दोस्तों, इस थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कुल कितने शिक्षक के पद खाली है, साथ ही साथ बीएड डीएड जो अभी कर रहे हैं या जिन्होंने पास आउट करने के बाद, यदि देखिए दोस्तों, इस बार आप जान रहे हैं 12,000 पद हैं, पेपर देने वाले लाखों हैं। तो यदि अभी की भर्ती में जिनका नहीं लग पाएगा या आने वाले समय में जो बीएड डीएड कर रहे हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं आने वाले जो समय में, अर्थात कितने पदों पर भर्ती होगा, उन तमाम जानकारियों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो जितने भी नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा आप तक वो लिंक पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ में 50,000 जो शिक्षक के पद खाली है, इस 50,000 पदों में 12,479 पदों पर अभी भर्ती निकलने वाली है, ठीक है। अर्थात 50,000 में 12,500 लगभग मान के चले, फिर भी दोस्तों आपका 35,000 से भी अधिक पदों पर आने वाले समय में फिर भर्ती होगी। यही नहीं, देखिए हम पूरा आंकड़ा इसमें साझा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लें कि जो पद है, ठीक है, उनके बारे में हम पूरे डिटेल से देखिए, हम तीनों की हम बात करेंगे इसमें। आपका व्याख्याता में कितने पद हैं, शिक्षक में कितने पद और सहायक शिक्षक में कितने पद, इन तीनों पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, ये जो जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्राचार्य के पद की बात है, ठीक है। तो प्राचार्य में आपका, हम केवल रिक्त पद की बात कर रहे हैं, तो 3200 पद रिक्त है। व्याख्याता की बात करें तो 6,485 पद रिक्त है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक की बात करें तो 4,205 पद रिक्त है। शिक्षक की बात करें तो 16,736 पदों पर रिक्तता दिखाई दे रही है, और सहायक शिक्षक की बात करें तो 30,000 पद रिक्त है। इस प्रकार से कुल पद की बात करें तो कुल 50,000 के आसपास पद खाली है, और इन 50,000 पदों में साथियों 12,479 पद, ठीक है, 12,479 पदों पर अभी भर्ती होना है, ठीक है। यदि हम इसको माइनस कर ले तो लगभग आप मान के चलिए कि 37,500 समथिंग, ठीक है, अर्थात अभी भी पद खाली होंगे इसको भर्ती होने के बाद। बिल्कुल हम डिटेल से बता रहे, अब 37,500 पद जो खाली होंगे साथियों, ठीक है। इसके अलावा अभी आप सभी जान रहे हैं प्राथमिक शाला एचएम के पद पर अभी प्रमोशन हुआ है, ठीक है, तो ये लगभग है 20,000, ठीक है, ये लगभग है 20,000 पद। इसको भी आप जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 57,500 जो पद है वर्तमान में हो जाएंगे खाली, ठीक है, आने वाले जो समय के लिए। अभी इसमें देखिए, सबसे ज्यादा हम पद की यहां बात करें तो देखिए यहां आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है सहायक शिक्षक, जिसमें 30,000 के पद खाली हैं, ठीक है, 30,734 पद, 30,734 पद, इसमें से 20,000 अभी एचएम में प्रमोशन हुआ तो 20,000 पद इसका खाली हो गया। अब टोटल हम बात करें सहायक शिक्षक की तो लगभग एक अकेले सहायक शिक्षक में 50,000 से ज्यादा पद आने वाले समय में खाली होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यदि वैकेंसी आएगी साथियों तो सहायक शिक्षक की, वर्ग 3 के जो पद हैं सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि वर्तमान में 40,000 से 50,000 जो पद हैं सहायक शिक्षक के खाली होने वाले। यही नहीं, देखिए सहायक शिक्षक में सबसे ज्यादा पद इसलिए खाली हो रहे हैं, इसके एक कारण है एचएम में प्रमोशन, ठीक है, एचएम में जो प्रमोशन है ये एक कारण बनता है।
दूसरा कारण क्या है, पुराने जो टीचर है, ठीक है, पुराने टीचर रिटायर हो रहे हैं इस पद पर, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण कारण है। साथ साथ तीसरा कारण ये भी है साथियों, क्योंकि प्रत्येक जो गांव में है ना, गांव में लगभग दो स्कूल ऐसे हैं, दो स्कूल मिलते हैं आपको। प्राथमिक शाला में सबसे ज्यादा स्कूल है, हर गांव में आपको स्कूल मिलेंगे। बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां दो दो स्कूल है, ठीक है, प्राथमिक शाला के, जो बड़े गांव रहते हैं। तो ऐसी यही एक मेन वजह है कि सहायक शिक्षक के पद भी ज्यादा रहेंगे। तो लगभग मान के चलिए 50,000 आपका सहायक शिक्षक के जो पद आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में। देखिए भर्ती कितने पदों पर होगी, ये सरकार की विचारधारा है, ठीक है, ये सरकार की विचारधारा है कि कितने पदों पर। लेकिन जिस पद की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पद हैं सहायक शिक्षक के आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय में। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक से भी आपका मिडिल स्कूल एचएम में प्रमोशन होगा, लेकिन इनकी जो संख्या है कम रहती है, ठीक है, क्योंकि सभी गांव में मिडिल स्कूल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी गांव मिल जाते हैं जहां के पास के गांव में जाना पड़ता है, ठीक है, अर्थात यदि होगा भी तो बड़े गांव में रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा अगर कहीं पद आने वाले हैं तो आपका सहायक शिक्षक। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है, इसमें क्या है, विषय बाध्यता खत्म है, तो अब इस पर पद भी आएगा तो सभी साथियों को अच्छा अवसर मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। तो इस तरह से वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बम्पर जो वैकेंसीज हैं हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के, जो कि आने वाले समय में बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो कर रहे हैं, ठीक है, जो बीएड इस तरह से दोस्तों आने वाले जो समय है आपका सबसे ज्यादा पद सहायक शिक्षक को देखने को मिलेंगे। इतना मान के चलिए अभी आपके कोई भी साथी समूह जो भी है यदि बीएड डीएड कर रहा है तो उसको सीधा लाभ होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बड़ी भर्तियों के लिए जो रिक्त है पद होने वाला है। अर्थात सभी, देखिए हम बात करें सिर्फ रायपुर बिलासपुर दुर्ग ही संभाग की नहीं, सभी संभागों में पद रिक्त होने वाले हैं। सहायक शिक्षक का भी सभी जिलों में पद आएंगे, शिक्षक सभी, जिसमें अलग अलग विषयवार हम बात करें तो जिसकी वर्तमान में पद कम है उस विषय के ज़्यादा पद आएंगे। तो इस तरह से अनेकों जो पद है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यदि अभी कोई भी साथी जो बीएड डीएड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आने वाले 2 या 3 सालों में बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है, क्योंकि शिक्षकों की जो कमी है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पद भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वैकेंसीज भी आने वाले समय में बड़ी संख्या में निकलेगी, जिसका सीधा लाभ बेरोजगार बीएड डीएड युवाओं को होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद।